यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा अपना, यस सर 1/2। ओके चलो क्वेश्चन नंबर मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच जाते हैं अपन। ओके क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। इसमें बोला क्या है बेटा, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। बेटा मैं इसे ऐसे लिखता हूं, पीएच, एच मतलब हॉस्टल के लिए वर्ड यूज हो रहा है यहां पर, और कितने हैं वहां पर हॉस्टल के अंदर बेटा, 60%। 60/100 कह देंगे बेटा हम लोग, ठीक है बेटा। सेकंड कंडीशन है एंड 40% आर डे स्कॉलर, मतलब वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो आते हैं सुबह और पढ़ के चले जाते हैं, है ना, इस तरह का। तो पी एच डैश, एच डैश मतलब हॉस्टल में नहीं है, 40% बेटा, सही है बेटा। Yes, फिर आगे कहा उसने, प्रीवियस रिजल्ट, प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड, अटेंड कर रहे हैं यानी कि ए ग्रेड अचीव कर रहे हैं, कितने बच्चे कर रहे हैं बेटा, 30%, और किन में से, जो हॉस्टल में रहते हैं, यानी कि ग्रेड ए आ रहा है लेकिन किनका, हॉस्टल वाले बच्चों, समझ रहे हो बेटा इस बात को, ए अपॉन एच का मतलब है ए ग्रेड आ रहा है हॉस्टल के अंदर रहने वाले बच्चों, इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये 30% है, कितना है बेटा 30%। दूसरा एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर, यानी कि जो हॉस्टल के अंदर नहीं रह रहे हैं उनका ए ग्रेड, देखो कंडीशन देखो बेटा, ये समझ आया, ए ग्रेड आ रहा है हॉस्टल में नहीं रहते हैं जिन बच्चों को, उनको मिल रहा है 20% बच्चों, ऐसे 20% बच्चे हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं और उनको ए ग्रेड मिला है। आगे कहा उसने, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज अ एन ए ग्रेड, मतलब एक बच्चा हमने चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, पाया गया कि उसका ए ग्रेड है, तो बताइएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, यानी कि वो बच्चा हॉस्टल का था जिसका ए ग्रेड आया। तो पूछा कौन सा है बेटा, पूछा है ए ग्रेड मुझे पता है लेकिन वो हॉस्टल वाले बच्चे की बात कर, तो ये कॉम्बिनेशन ऊपर आएगा हॉस्टल वाला बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्यों बेटा, yes। तो हम यूज कर लेते हैं कॉमन, ऊपर ये लगा लेते हैं इसको, ये हो गया 60/100 इंटू 30/100 अपॉन में 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100, कितना आएगा बेटा, देखो 100 तो डायरेक्ट ही, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो नीचे वाली चीजें तो डायरेक्ट ही छोड़ देते हैं और फिर ये जीरोस भी छोड़ देते हैं, तो 18 ऊपर आएगा और 18 प्लस 8, क्यों बेटा, यस सर, 9/13, यस सर, आ गया समझ, यस सर, चलो आगे चलें क्या, ये वाला क्लियर है, यस, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 पे ले लेते हैं, इसमें कहा इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैस, मल्टीपल चॉइस है, दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं बच्चे के पास, या तो उसे आता हो या वो टिक कर दे, ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना जैसे, तो हम गैस करके अच्छा ये थर्ड ऑप्शन होगा सी या बी ऐसे करके लिखते हैं, तो या तो उसे पता है या वो गैस करता है। आगे बोला क्या है उसने, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, नोज द आंसर को मैं के लिख रहा हूं बेटा,
यानी कि उसे पता है आंसर है। तो पी के, के का मतलब बेटा क्या है यहां पर, के का मतलब नोइंग वाली कंडीशन, वो था ना के एन ओ डब्ल्यू नो है ना, वो वाला। तो ये कितना है अपना प्रोबेबिलिटी इसका बेटा 3/4, ठीक है। और फिर आगे है 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है उसको गैस करता है वो क्वेश्चन आंसर जो है उसका, कि भाई हो सकता है ए ऑप्शन है, हो सकता है बी हो सकता है सी हो सकता है डी हो, इस तरह से। तो गैस करने के प्रोबेबिलिटी यहां पे 1/4। आगे बोला एज्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अब देखिएगा करेक्ट को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी कि आंसर करेक्ट है और जब उसे आंसर आता है उस सिचुएशन में, तो ये तो वन होनी चाहिए ना भाई। आपको पता है कि जैसे ए ऑप्शन है इसका, ये क्वेश्चन है और इसका ए ऑप्शन है, तो आप तब थोड़ी ना गलत करते हो, तब थोड़ी ना उसको ऐसे ही टिक मार दोगे, तब तो ए को ही करोगे क्लिक। तो ऐसे केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% कह दो या 1 होगी, समझ रहे हो बेटा? Yes, ठीक है sir. तो आप नोइंग कंडीशन है और आपको आंसर करेक्ट टिक करना है, तो वो 100% चांस होते हैं, यानी कि 1 हो गया। अब उसने कहा कि अगर वो गैस करता है तो 1/4 चांस है करेक्ट होने के, यानी कि करेक्ट बाय गैसिंग, यानी कि गैस करने के बाद उसने ऐसी आइडिया से कर दिया टिक, उसके चांस है 1/4, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इज करेक्ट। अब मुझे पता है कि उसका आंसर तो करेक्ट है, लेकिन करेक्ट तो दो केस थे, या तो गैस करके करेक्ट हो रहा है या पता है उसे आंसर तब करेक्ट हो रहा है। तो उसने कहा नोइंग सिचुएशन से, नोइंग सिचुएशन मतलब के। तो अब आपको साफ समझ में आ गया होगा के और सी का कॉम्बिनेशन यहां है, के सी वाला, ये के सी वाला केस है ना बेटा, नोइंग सिचुएशन yes. वाला, और ये गैस वाला है। तो टोटल तो आएगा नीचे और ऊपर आएगा नोइंग सिचुएशन, 3/4 × 1 upon 3/4 × 1 + 1/4 × 1/4। क्या मेरी बात सही है? Yes, sir. तो बेटा ये ऊपर तो अपना 3/4 बन जाएगा और नीचे 3/4 + 1/16, एलसीएम ले लेंगे नीचे 16, क्यों बेटा ऐसा कुछ बनेगा? Yes, sir. तो 12/13, क्यों बेटा? Yes, sir. 12/13 आया? Yes, sir. नोट कर लेंगे, बन गया बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्या बोला है थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं फिर ट्राई करेंगे इसको। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है अपने पास। वन इज अ 2-sided coin, 2-headed coin, यानी कि अब आप देखिएगा जो फर्स्ट कॉइन है उसमें दोनों एच हैं, सेकंड कॉइन में कहा गया अनदर इज बाइस्ड और 75 times मोर है हेड, मतलब इसमें 75% हेड आएगा, 25% क्या आएगा बेटा, टेल। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. बेटा एक थर्ड कॉइन भी है, वो अनबाइज्ड है, यानी कि उसके अंदर एक हेड है और एक टेल, क्यों भाई बात समझ आई? Yes, तीन कॉइन अपने हिसाब से एडजस्टिंग, एक कॉइन ऐसा बना लिया दोनों तरफ हेड हेड है उसमें, वो देखी ना सोले फिल्म है, वो बार बार उछालता है अमिताभ जीतता है दोनों हेड, ठीक है, वो हमेशा हेड ही मांगता है। तो एक तरह से ये समझिएगा ये अपने पास दोनों हेड हो गए, इधर बेटा एक 75% हेड आएगा, अगर मैं उसे थ्रो करूंगा तो ऐसे चांसेस 75% है जब हेड आएगा,
और 1% चांस क्या है, जब टेल आएगा, और थर्ड वाला है एक हेड और एक टेल आ रहा है। सही है बेटा। अब आप ये बताइएगा उसमें क्या पूछा है, आगे देखते हैं। इसमें कहा वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रेंडम एंड टॉस्ड इट्स ऑस हेड। अब देखो हेड की बात हो रही है, तो यहां पर हेड की प्रायोरिटी क्या होगी, वन। यहां पर हेड 3/4 कह दो 75% को, यस सर। और बेटा यहां हेड 1/2। अब एक बात और समझो, कितने कॉइन है, तीन। तो पहले वाले कॉइन के लिए इसे C1 कह दो या B कह, जो भी आप, C1 पहला कॉइन, दूसरे कॉइन को चूज करने की प्रायोरिटी और तीसरे कॉइन को चूज करने की प्रायोरिटी 1/3 ईच। ऐसा ही होगा क्यों बेटा? यस सर। भाई कोई भी कॉइन चूज करोगे, तीन है, जैसे बैग या बॉक्स उस टाइप का था ना, उसी तरह का है। अब ये जो यहां पर हेड है किससे है, कॉइन वन से, ये हेड कॉइन टू कंडीशन और ये हेड कॉइन थ्री। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। देखो एच अपॉन सी वन का मतलब पहले कॉइन से हेड, सी टू का मतलब दूसरे कॉइन से हेड और सी थ्री का मतलब तीसरे कॉइन से हेड आना। अब उसने कहा है, इसने बोला है इट्स वॉज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज द टू हेडेड कॉइन। तो टू हेडेड कॉइन कौन है, कॉइन वन। क्यों बेटा? भाई दोनों हेड वाला केस कहां है, पहले कॉइन पे। तो पूछा क्या, एक तरह से आपको पता है हेड पहले से ही है, लेकिन वो कॉइन वन वाला जो है उस वाले के दोनों हेड हैं, इसीलिए हमें क्या लेना है, कॉइन वन की कंडीशन बतानी। तो अब आप क्या करने वाले हैं, कॉइन वन की कंडीशन ऊपर, तो ये 1 × 1/3, भाई हेड की प्रोबेबिलिटी ये रही और बैग की प्रोबेबिलिटी मतलब कॉइन की प्रोबेबिलिटी ये रही, और नीचे क्या क्या लिखोगे, तीनों कॉम्बिनेशन 1 × 1/3, 3/4 × 1/3 एंड 1/2 × 1/3। 1/3 तो कॉमन होके कट जाएगा, क्यों बेटा? ऐसे लिखना चाहिए मुझे, क्यों भाई? हाँ बेटा, यस सर। तो 4/9 आ रहा होगा, यस सर। क्लियर है? समझ आ गया बेटा? यस सर। चलो देख लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है प्रायोरिटी के बाद, तो वो मुझे वो कर देना मैसेज बेटा, क्योंकि इस वीक में ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर भी देखते हैं, संडे क्लास वगैरह में शुरू कर देंगे। चलो आगे बढ़े। सर एक ये वाली एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन बेटा? ये जो ना ये डिलीटेड, मतलब एक तरह से इस तरह क्वेश्चंस आए नहीं है, आते नहीं है, इसमें ना थ्योरी थ्योरी में घूम जाता है बच्चा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो इसे कर लो, मैं फिर 5 को बता देता हूं। हो गया बेटा? यस। चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, मैं पढ़ भी रहा हूं, एक मिनट। A laboratory blood test
is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. मतलब टेस्ट किया गया तो ऐसा होता है जब टेस्ट करते हैं वहां पर लेबोरेटरी में कि 99% चांस है जब आप बीमार हैं तो वो बीमारी वहां पर बता दी जाती है. क्वेश्चन क्लियर. लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट हो रहा है, 99% इफेक्ट जो होता है वो करेक्ट आता है, सही आता है अगर वाकई में वो बीमारी है. क्लियर. यानी कि बीमारी भी है और पॉजिटिव भी आता है, करेक्ट भी आता है. फिर आगे बोलते हैं, हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स. कई बार ऐसा भी हुआ है और वो 5% चांस ऐसे हैं कि बंदा ठीक है लेकिन उसमें बीमारी आ गई है टेस्ट. ठीक है, समझ में आ रही बात. क्वेश्चन जो अगर आप थोड़ा समझेंगे इसको तो ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ ब्लड टेस्ट और ब्लड टेस्ट में 99% चांस तो सही आती है रिपोर्ट, है ना, कि भाई आप बीमार हैं और बीमारी की रिपोर्ट भी आ गई सही है कि हाँ भाई बीमार हैं ये. लेकिन 5% चांस ऐसे भी हैं, 0.5% चांस ऐसे भी हैं कि आदमी बीमार नहीं था लेकिन रिपोर्ट में आ गया. क्लियर है बेटा. यस सर. बात जैसे कई बार होते हैं ना, आप देखो सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल हस्त पुष्ट ठीक ठाक हूँ, मैं गया डॉक्टर पास, सर पता नहीं कैसे मेरी ना सर दर्द हो रहा है. डॉक्टर कहा अच्छा, अरे भाई आपको तो बहुत तेज बुखार है, कई दिन से लग रहा होगा. फिर आदमी सोचने लगा था, हाँ यार लग तो रहा था दो दिन से, अच्छा तो परसों से बुखार था आपको, लो जी ये ले लो और मेरी 2000 फीस जमा कर जाओ. ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है. तो यहाँ यही बोल रहा है कि 0.5% चांस ऐसे भी है कि आप बीमार नहीं थे लेकिन रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई. फिर आगे कहा गया, हाँ फिर आगे बोला है, इफ द पर्सन इज हेल्दी विद प्रोबेबिलिटी 0.005. ठीक है, यानी कि 0.05 जो प्रोबेबिलिटी है ये उस केस में है, इसे आप या तो 0.5% बोल दो या 0.05 बोल दो, 0.005 द टेस्ट विल इंप्लाई हैज द डिजीज. अब बात ये हो रही है कि कितने लोग टेस्ट कराने जाते हैं, वो बात समझिए. इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, मतलब जो टोटल पब्लिक है उसमें से केवल 0.1% जो है वो एक्चुअल जो है वो डिजीज से यानी कि इन्फेक्टेड है, बीमार है. आगे कहा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव. अब मुझे वो बात बतानी है कि ये तो पता चल गया कि ये बीमार है लेकिन टेस्ट में भी आ जाए, है ना, पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ जाए, ऐसा मुझे बताना. तो यहां आप सबसे पहले डिसीज है, ये कितने परसेंट लोग हैं, डी, डी का मतलब डिसीज, बीमार होना, कितने परसेंट है बेटा, 0.1%. 0.1 का मतलब 1/1000 हो गया. क्यों बेटा, भाई जो बीमार है टोटल पॉपुलेशन में 0.1% ही तो बोला है उन्होंने, डिफेक्टिव वाले, बीमार वाले. क्यों? Yes, sir. अब कितने लोग, अब ये तो 0.1% ही तो बीमार है तो बाकी तो ठीक हुए ना, तो डी डैश किसे बोलोगे आप, डिफेक्टिव नहीं है, बीमार नहीं है, तो मैं ऐसा लिख लू डायरेक्ट, ये लोग हैं जो बीमार है और ये बीमार नहीं है. समझ में आ रही कहानी बेटा? Yes. अब हम लेते हैं, अब उसने कहा देखो, P मतलब प्रोबेबिलिटी और ये जो अंदर P है इसका मतलब है पॉजिटिव, और ये जो बीमार है डिफेक्टिव है डिसीज है जिन्हें, ऐसे कितने परसेंट थे, ये कितने परसेंट चांस है. भाई आपने लेबोरेटरी टेस्ट कराया उसमें क्या बोल रहा था, पहली लाइन थी 99% लोग सही पाए जाते हैं यानी कि उन्हें बीमार है और वो दिखा भी रही है रिपोर्ट यानी कि पॉजिटिव भी और वो बीमार भी थे, तो यही तो है वो कंडीशन. और कितने परसेंट, 99%, यही तो है बेटा वो. यस सर. अब दूसरी कंडीशन कौन सी थी, दूसरी कंडीशन थी पी पॉजिटिव दिखा रहा लेकिन वो बीमार नहीं थे, ऐसे कितने थे, 0.5% टाइप के, याद है कुछ? यस सर. तो अब उसे 0.5% को क्या लिखोगे, 0.5% यानी कि 100, तो इसे हटा भी लो 1000, 5/1000,
क्यों जी बेटा? यस। अब वो पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है पॉजिटिव तो है लेकिन वो एक्चुअल डिफेक्टिव है या डिसीज है उसे। ये वाली बात बताओ, ये तो हमने देख लिया कि एक आदमी है वो बीमार है, पॉजिटिव है, लेकिन वो एक्चुअल में उसे डिसीज थी, इसकी मुझे कंडीशन बताए, तो कौन सा केस ऊपर आएगा? ऊपर आएगा ये कॉम्बिनेशन। क्यों आएगा? यस सर। लगा लें? ये क्वेश्चन मार्क था, चलो लिख देते। पी डी अपॉन पी इक्वल टू ऊपर आया 1/1000 इंटू 99/100, ठीक है बेटा, और नीचे 1/1000 इंटू 99/100 प्लस दूसरा केस ये कॉम्बिनेशन, क्यों बेटा? 5/1000 वाला ये लगाओगे ना? यस सर। चलो सॉल्व करके बताएंगे, कैलकुलेशन बढ़िया सी करना। सर 22/133। ट्वेंटी टू अपॉन 133। ओके, तो अब समझ आ गई थ्योरी? यस। हाँ, थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बड़े सोचने वाले होते हैं, घुमा करके बोलते हैं। चलो आगे चलें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर, 4000 कार एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है, उसने उसके पास डाटा क्या है कि 2000 स्कूटर इंश्योर्ड है उसके पास, 4000 कार और 6000 ट्रक ड्राइवर्स, है ना? आगे कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर, अब एक्सीडेंट पहले स्कूटर है उससे चांस है 0.01, फिर आगे कार बोला है 0.03 एंड फाइनली ट्रक बोला है 0.15। वन ऑफ द इंसॉल्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि जिनका इंश्योरेंस था उनमें से एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब वो एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें ये बताना है कि वो स्कूटर वाला बनता है, तो सबसे पहले आप स्कूटर लिख लें, कार लिख लें और ट्रक लिख लें। तो ये 2000, 4000, 6000, 2, 4 and 6, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। टोटल 12000। यहीं से स्कूटर की प्रोबेबिलिटी, क्यों बेटा? यहीं से कार की प्रोबेबिलिटी, और यहीं से ट्रक की प्रोबेबिलिटी हम लेके निकाल। कोई परेशानी इस बात को लेकर के? नो सर। समझ आ गया मेरे बच्चों को ये तीनों बातें? अब इसी के साथ इनके एक्सीडेंट के केसेस भी बोले गए, इनकी प्रोबेबिलिटी बोली गई। तो देखो मैं इस बात को कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि एक्सीडेंट हो रहा है स्कूटर का, इसके चांस कितने थे बेटा? उसने बोला 0.01, और यहां एक्सीडेंट हो गया अगर कार का तो उसके चांसेस कितने हैं? 0.03 एंड ट्रक के लिए बोला गया, ट्रक ऑब्वियसली ज्यादा ही होता है ना, क्योंकि ये ट्रक वाले ना कई कई दिन तक चलते रहते हैं रास्तों में। कार वाला क्या है, गाजियाबाद से निकला देहरादून चला गया, है ना ऐसे, या दिल्ली से निकला सहारनपुर पहुंच गया, मेरठ पहुंच गया, है ज्यादा करा
और थोड़ा आगे चला गया। लेकिन ट्रक वाले बेटा इनका ना बड़ा लंबा लंबा रूट होता है, जैसे बॉम्बे से चल के कोई सप्लाई देनी है गाजियाबाद दिल्ली, दिल्ली से इनको काठगोदाम जाना है, नैनीताल जाना है, और वहां टाइमिंग भी होती है इतने बजे तक पहुंच जाना भाई सामान लेकर के, हमें इमीडिएट पहुंचना है सामान, वहां पहुंचाना है, डिलीवर करना है, है ना। तो इसलिए ना इनको दो तीन कारण होते हैं, एक तो ये भी है कि लंबे समय तक चलते रहते हैं तो थकावट भी हो जाती है, और भी कई चीजें हैं जैसे जल्दीबाजी का काम, और तीसरा एक मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ना बेटा। तो कई फैक्टर है इस चीज को लेकर के। तो यहाँ आप समझ लें कि इसको आपने तीन कैटेगरी में दे रखा है, तीनों के एक्सीडेंट की सिचुएशंस भी दी हुई है। अब कहा गया कि भाई एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, बताओ वो स्कूटर वाला बनता है, मतलब इसमें सिचुएशन कौन सी है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछे कि पता है मेरे को एक्सीडेंट हो चुका है, ए हो चुका है, ए केस है ना, लेकिन कौन सा स्कूटर वाला बनता है, समझ में आई बेटा सिचुएशन? यस सर। तो बेटा कैसे लिखूंगा मैं इसको, सबसे पहले ऊपर कौन है, स्कूटर वाला केस, ये जाएगा ना ऊपर, यस सर। तो आप लिख लेंगे 2000 अपॉन 12000, चाहो तो इसे पहले यहां सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई भी तरीका अपना सकते हो, अपॉन अपॉन में कॉम्बिनेशन 2000 अपॉन 12000 इनटू 0.01 प्लस दूसरा 4000 अपॉन ये हुआ इनटू क्या बेटा, और तीसरा बेटा 7/52 ओके तो ये अपना बन गया बेटा 1/50 ठीक है, आगे चले। आगे बढ़े बेटा, यस सर। अब इसमें मैन्युफैक्चर वाला ले लेते हैं एक, तो है ना, एक मैन्युफैक्चर वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन 11 देखें, और कोई पूछना है बेटा? चलो 10 वाला ले लेते हैं पहले, है ना, 10 ले लेते हैं, क्वेश्चन 10 भी थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। चलिए क्या कहता है वो, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई इफ सी गेट्स 5 or 6, पहली कंडीशन है कि 5 or 6 आता है अगर, सी टॉस अ कॉइन 3 times, कॉइन कितने टाइम थ्रो हो रही है बेटा, कॉइन 3 times थ्रो हुई, क्लियर है। फिर आगे बोला इफ सी गेट्स 1, 2, 3, 4, दूसरी सिचुएशन है अगर उसके 1, 2, 3 या 4 आते हैं, अगर 1, 2, 3, 4 आते हैं, सी टॉस अ कॉइन वंस, कॉइन को केवल एक बार थ्रो करना है उसको, क्या ये बातें यहां तक पकड़ में आ रही है बेटा? Yes. अब जब मैं कॉइन को 3 times थ्रो करूंगा तो टोटल कितने टाइम आंसर्स बनने चाहिए, 8 options बनेंगे, यस सर। और अगर 1 बारी करूंगा तो कितने बनेंगे टोटल, 2। कोई समस्या नहीं अभी तक? नो सर। अब इसमें ए सिचुएशन मैंने मान ली, ए सिचुएशन जो थी उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 2/6 होगा प्रोबेबिलिटी, 5-6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, यस सर। और बेटा बी सिचुएशन जो मैंने मानी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6, क्या बेटा? यस सर।
चलो अब आगे पढ़ते हैं, उसने बोला क्या है। हाँ फिर वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जब ये थ्रो कर लेता है नॉट वेदर अ हेड और टेल ऑप्टेन, यानी कि वो नोट डाल रहा है, लिख रहा हैड या टेल आने के कंडीशंस। इफ सी ऑप्टेन एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, दो सिचुएशन मेरे पास है, एक है इसमें, इसमें हेड आना आठ केसेस के अंदर, दूसरी सिचुएशन ये है और इसमें भी हेड आना, ठीक है भाई। चलो तो पहले वाले से, यानी कि मुझे पता है पहली कंडीशन है, इस कंडीशन से एक हेड के केस कितने होंगे यहां पर, 3/8 HTT THT TTH ऐसे करके बन जाएंगे ना तीन केस। यस सर। तो बेटा क्या लिखोगे हेड की कंडीशन इस केस में, 3/8 सोचो। yes. और अगर मैं यहां हेड की कंडीशन बी से बनाना चाहूं तो ये तो 1/2 है क्योंकि एक ही बार तो थ्रो हो रहा था, समझ में आई बात। यस सर। तो अब क्या करना चाहिए आगे देखते हैं। उसने कहा इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो 1 2 3 4, मतलब बी सिचुएशन से उसका हेड आया था, तो प्रोबेबिलिटी पूछिए कि पता है मुझे हेड आया हुआ है लेकिन वो दूसरी कंडीशन इस वाली कंडीशन से बना था। तो सीधा सीधा सा कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे को कि बी केस वाला ऊपर आएगा भाई। yes, क्यों भाई, ऐसे कॉम्बिनेशन ऊपर आएगा और नीचे दोनों केसेस, दोनों केसेस प्लस में आएंगे, 1/2 और ये सब आप सोल्व करके देखो कितना आता है भाई, बताना जरा। एट अपॉन इलेवन ठीक है बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब ये मैन्युफैक्चर वाला 11 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि ऐसा एग्जांपल भी हम लगा चुके हैं फिर भी ले लेते हैं। इसने कहा तीन मशीनें हैं ABC, फर्स्ट उससे 1% डिफेक्टिव आइटम बनते हैं, तो तीन अगर है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, PA PB और PC तीनों की प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा। yes. ये ऐसा ही लगाया था हमने, और कई बार ऐसा होता है बेटा जब ये कॉमन चीज होती है ना इसे छोड़ दिया जाता है, ये ऐसे लेते ही नहीं है, कई बार जब सॉल्यूशन करते हैं ना कई जगह ऐसी चीज लेते ही नहीं है, वो कहते हैं कि भाई हम मान ही नहीं रहे, ठीक है। फिर वो कहता है कि भाई ए से 1% डिफेक्टिव निकलते हैं, बी से 5% और सी से 7%। क्वेश्चन समझ में आया, डिफेक्टिव कंडीशन बोल दिए ए बी सी तीनों से, ए से 1%, बी से 5% और सी से 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। अब आगे कहा कि जो ए है, जो मशीन ए है वो 50% आइटम बनाती है, बी मशीन 30% बनाती है और सी मशीन 20%। मतलब असलियत में अगर मैं इसे छोड़ दूं इस बात को, तो ये ऐसे बोल रहा है कि ए मशीन कितना बनाती है, 50%, बी कितने परसेंट बनाती है, 30%। सी कितने परसेंट बनाती है बेटा, 20%। क्लियर है? यस सर। अब वो डिफेक्टिव आइटम ए से कितने परसेंट बन रहे थे, देखो मैंने डी अपॉन ए लिखा है, डी अपॉन ए का मतलब जानते हो, ए मशीन है और उससे डिफेक्टिव आइटम बन रहे हैं, तो उसने बोला था ये तो 1% है, कितने परसेंट है, 1, और बी से कितने परसेंट डिफेक्टिव बन रहे थे, 5। अब मैं सी पे मूव करूंगा तो डिफेक्टिव आइटम बाय सी ये कितना है, 7। अब उसने कहा कि भाई एक आइटम है वो मैंने चूज कर लिया और वो डिफेक्टिव था, बता दो वो ए से बना था, मशीन ए ने उसे प्रोड्यूस किया था, तो कंडीशन है, कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिफेक्टिव तो है
लेकिन ए मशीन से है, तो अपने को क्या लिखना है, ए वाला केस ऊपर, क्यों बेटा? यस, और तीनों का कॉम्बिनेशन नीचे, बता दें जरा आप ये क्या आने वाला है। फाइव अपॉन 34। आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। प्लेइंग कार्ड जानते ही हम लोग सब उसके बारे में। इसने कहा अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड खो गया है, 52 पत्ते हैं टोटल, और जो बचे हुए हैं उनमें से दो कार्ड आपने निकाल लिए। उसने कहा जब आपने वो निकाले वो दोनों डायमंड के कार्ड थे। क्या थे वो बेटा? दोनों डायमंड के थे। Find the probability that the lost card being a diamond. आपके पास टोटल है 52 और 52 में से 13 हो गए डायमंड के और बाकी 39 हो गए डायमंड नहीं है। नहीं है का मतलब डैश लगा दिया बेटा मैंने, देख रहे हो आप? Yes, sir. तो अब आपके पास दो सिचुएशन है कि या तो डायमंड का खोएगा या कोई अदर कार्ड खो जाएगा। भाई आपकी एक गड्डी थी 52 पत्तों वाली, उससे एक कार्ड खो गया, तो जब खोएगा तो दो ही बातें होंगी, या तो डायमंड का खोएगा कोई अदर कार्ड खोएगा। तो मैंने पहली सिचुएशन मानी कि भाई डायमंड का कार्ड खो गया, तो ये लिखूंगा क्या मैं? क्यों बेटा? यस सर। और अगर डायमंड का नहीं खोआ है तो ये डी डैश लिखना पड़ेगा और ये 39/52 होगा। क्या यहां तक ये बातें क्लियर लिखी हुई है? समझ में आ रहा है? समझ में आ गया यहां तक बेटा? सर ये एल अपॉन डी नहीं होगा क्या बेटा? सर जैसे उसने कहा ना कि एक पत्ता खो जाता है तो हम उसे एल अपॉन डी भी तो लिख सकते हैं इस वाले को। नहीं, अभी अभी जब हम दूसरे दो पत्ते निकालेंगे ना उसमें दूसरी सिचुएशन ऐड करेंगे। अभी तो मैं ये मान रहा हूं कि मेरा एक पत्ता खुआ, या तो वो डायमंड खुएगा, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52। यस सर। और डायमंड नहीं खुआ है तो कोई अदर कार्ड होगा, 39/52। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप 1 माइनस कर दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो, होता है ना 1 माइनस डायमंड, है ना? नॉट डायमंड केस जो है, नॉट ए वाली कंडीशन थी ना, ऐसे पढ़ा था ना हम लोगों ने, पी नॉट ए कैसे लिखते थे, 1-PA। समझ रहे हो बेटा? ऐसा भी कह सकता हूं। ओके यस सर। चलो अब देखते हैं। अब यहां ये तो पहले काम हो चुका, या तो कार्ड डायमंड का खुआ या अदर खुआ। अब दो कार्ड आप निकाल रहे हो जो बचे हुए हैं, टोटल अब 51 बचेंगे वैसे तो। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब मुझे यहां सोचना है कि मान लो ये डायमंड पहले खो गया था, ध्यान से देखना, पी डायमंड खो गया और डायमंड ही निकल रहा है अब, तो डायमंड कितने पत्तों में से निकलेगा? 12 में से दो निकलेंगे। सोचो, डायमंड खो गया था, पहले मैंने नीचे लिखा है डी, डायमंड खोए हुए सिचुएशन में दो पत्ते निकाल रहा हूं डायमंड के। अब पकड़ो इस बात, टोटल 13 पत्ते थे डायमंड के, लेकिन एक खुआ हुआ जो पत्ता था वो डायमंड ही था, तो अब तो 12 ही तो बचेंगे डायमंड के। यस सर। तो 12 बचे, तो मैंने लिखा 12 में से दो निकलेंगे। अब जब डायमंड खो गया तो फिर से डायमंड निकालने की कंडीशन है, तो 52 में से
एक पत्ता कम हुआ था तो 51 बचे थे अब, क्यों बेटा? ठीक है, अच्छा ये भी कुछ है, चलो कोई नहीं, ये भी सीख ही रहेंगे हम। अब ऐसा भी तो होगा ना बेटा, 51 कार्ड जो थे उनमें से दो निकाल रहे हो टोटल में भी, तो यस क्लियर है यहाँ पर बात? यस 51 में से दो। अब इधर देखो, अब ये मैंने कहा डायमंड तो निकाल रहा हूं, लेकिन हुआ हुआ डायमंड नहीं था, डी डैश नीचे आया, तो इस केस में डायमंड कितने बचे हुए रह जाएंगे भाई? 13 के 13 डायमंड बचे हुए, क्योंकि खुआ तो कोई अलग पत्ता था ना, कोई दूसरा कार्ड खुआ था। यस सर। और अपॉन कौन है मेरे बेटा? सेम 51C2। डाउट कोई बेटा? नो सर। चलो तो अब मैं क्या करूंगा, अब उसने पूछा क्या है, अब ना इसे यार ये तो घपला हो जाएगा, इसको D1 और D1 D1 डैश मान लो, वरना ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब पूछेगा क्या वो, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अब उसने कहा है कि मुझे पता है कि जो दूसरा पत्ता है वो तो डायमंड है, लेकिन वो खुआ भी डायमंड था, वो वाली सिचुएशन का पत्ता है। अब समझ, अब देखो यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो जाती है, वरना डी डी पता ही नहीं चलता कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, समझ में आ रहा है ना ये? इसलिए मैंने पहले जो खुआ पत्ता है उस डायमंड के लिए D1 मान लिया। अब वो पूछ रहा है कि अगर मुझे ये तो पता है कि मेरा डायमंड निकला है, लेकिन खुआ हुआ पत्ता भी डायमंड था, उसकी कंडीशन बताओ उस केस में से है। तो ये क्या, ये कॉम्बिनेशन ऊपर, क्यों बेटा? यस सर। सोचो, समझ में आ रहा है? यस क्या लिखोगे? 13/52×12C2 का मतलब 12×11/51×50। मैंने थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया है ना, समझ में आ रहा है बेटा? ये प्लस दूसरा केस है 39/52 और इनटू में 13×12/51×50। चलो सॉल्व करके आप बताएंगे, सॉल्व करके बता दें जी, बताइएगा जी क्या आने। इलेवन अपॉन 50। ओके चलो आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन है, 13th और लगा लेते हैं, ये अपनी खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, यानी कि ट्रू बोल रहा है वो, तो मैं इसको ना पी टी कर देते हैं, 4/5, तो फॉल्स की कंडीशन क्या होगी बेटा? टी डैश क्या हो गया? 1/5, वही 1-4/5 कर लो, क्यों बेटा? यस सर। फिर वो कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड, अ रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर्स, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। तो अपना हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अब वो ट्रू बोल रहा है और हेड आया, 1/2, क्यों बेटा? यही तो हुआ, और वो ट्रू नहीं बोल रहा है उस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टेल आया तो 1/2 रही, तो हेड नहीं आना भाई वो झूठ बोल रहा है, तो टेल आया ना इसका मतलब, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? 1/2 वो भी, क्यों बेटा? यस। अब वो कह रहा है कि एक्चुअली देयर वाज हेड, यानी कि हेड भी आया और वो ट्रू भी बोल रहा है, तो हेड आया ये पता है और ट्रू की सिचुएशन से आया,
तो हेड और ट्रू तो ऊपर 4/5 एंड 1/2, और नीचे क्या आया 4/5 1/2 एंड 1/5 1/2। क्या मैं ऐसा मान लूं कि मैं ऊपर नीचे वो काट दूं 1/2 पहले? तो क्यों बेटा, पहले तो 1/2 काट लो और 5 एलसीएम वाला भी उड़ा ही लो। क्या कहते हो? 4/5। तो ये 4 बचेगा, नीचे 4 प्लस 1 बचेगा, 4/5। ठीक है बेटा, ठीक है। यस चलिएगा, यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। और कोई चीज आपको पूछनी हो? अब कल आगे की चीजें पढ़ लेंगे हम लोग, नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना बेटा?